हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? आज है 8th of November और आज है देव उठी एकादशी। शाम का टाइम है तो मम्मी जी उन्हीं की पूजा की तैयारी में लगी हुई हैं। एक्चुअली क्या है, ये कहते हैं जो देव उठी एकादशी है उसका जो इम्पोर्टेंस है कि आज के दिन भगवान विष्णु जी 4 महीने की नींद कंप्लीट करने के बाद उठे थे, तो इसी वजह से इस दिन को देव उठी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। और आज के दिन से जो शादियों का सीज़न है वो ही स्टार्ट हो जाता है। और आज का दिन ऐसा भी माना जाता है देव उठी एकादशी वाला कि जिन लोगों के मतलब निकलते नहीं हैं शादी के मुहूर्त या फिर कुछ भी ऐसा होता है तो आज का दिन बहुत अच्छा माना जाता है। आज के दिन सब लोग कर सकते हैं, कोई भी अच्छा काम करना हो या शादी का जो ऐसा होता है वो कर सकते हैं। और आज के दिन इनफैक्ट शादियों के कार्ड आए भी हुए थे, ठीक है। एक तो हमारे आस पड़ोस में हो रही थी शादी और यहाँ पर वही पूजा की तैयारी कर रहे हैं मम्मी जी। और जो पूजा होती है उसमें सिंघाड़े ज़रूर रखे जाते हैं और साथ में रखा जाता है चूरमा, ठीक है। तो वो बनाया हुआ है, एक पहले पूजा के लिए बनाया था, बाकी लोगों के बाद में बनेंगे। और ये जो इस तरह से मम्मी जी कर रही है ना, एक गीत गाया जाता है उठो देव मुझे इतना ही आता है, बहुत मतलब पूरा तो नहीं आता है। उसमें फैमिली मेम्बर्स के जो नाम है वो लिए जाते हैं और बस ये सब करने के बाद हम ऊपर आ गए थे। तो आपको याद हो जब गोवर्धन था तो मम्मी जी ने छोटे से गोवर्धन जी बनाए थे, मैंने बताया था ना बहुत छोटे थे क्योंकि जो गोबर था कम मिला था, तो उन्हीं को उठाने के बाद ये जो उपला बनाया हुआ है, इसको कुछ लोग उपले बोलते हैं, थेपले बोलते हैं, कंडे बोलते हैं, जो भी है, लेकिन ये जो गोवर्धन जी का जो था ना गोबर उसका बनाया हुआ है। तो आज के दिन इसका महत्व होता है, आज के दिन इनकी आग जलाई जाती है। मैं दिखाऊंगी कैसे कैसे कर रहे हैं। तो इसमें आग जलाने के लिए हम लोग ऊपर आए हुए हैं, तो वैसे तो केरोसिन की हेल्प से अच्छे से जल जाती है आग, लेकिन वही है ना केरोसिन का इतना काम होता नहीं है। तो मतलब घर में था लेकिन बिल्कुल याद नहीं था कि घर के किस कोने में कहाँ रखा हुआ है। तो फिर न्यूज़पेपर वगैरह लाए थे कि थोड़ा सा इसकी हेल्प से हम आग जलाएंगे, तो यहाँ पर उसी की कोशिश की जा रही है। लेकिन हाँ, पता है क्या, हम लोग बाहर की तरफ बैठे थे तो यहाँ पर हवा बहुत चल रही थी, आग जल रही थी, लेकिन वही अच्छे से नहीं हो पा रहा था। काफ़ी इसमें बैठ के हमको मशक्क़त करनी पड़ रही थी, कभी कोई कहीं से फूंक मार रहा था। और पता है क्या, फूंक मारने से जो धुआं है वो भी मुंह के अंदर जा रहा था। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि जो औरतें चूल्हे पर बैठ कर बनाती हैं वाकई में कितना मुश्किल काम है आग जलाना ऐसे। और फिर जैसे हमने पापा जी से पूछा था, सिया को भेजा था केरोसिन के लिए कि पापा जी को पता होगा, तो पापा जी खुद ही आ गए थे कि मैं देखता हूँ करके। और जैसे औरतें होती हैं ना जो फूकनी होती हैं उससे मतलब फूंक मार के जलाती हैं, तो पापा जी को ये मिल गया था, एक पाइप पड़ा हुआ था उससे किया था, तो पापा जी से हो गया था। अब हमारी जो आग है जो उपले हैं उनमें फाइनली हो गई थी, ठीक से जल गई थी। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना होता है, जब ये आग जल जाती है ना तो इसके ऊपर से औरतों को गुजरना पड़ता है इस तरह से, जैसे मम्मी जी कर रही हैं। ये मम्मी जी ने 5 बार किया था, हमने भी किया था, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ मम्मी जी का दिखा रही हूँ अभी आपको। तो इस तरह से किया था ये। और हाँ फ्रेंड्स, ये बार बार ऐसे उतरने का इसका रीज़न क्या था वो मेरे को नहीं याद। वो होता है ना, हर चीज़ बार बार करते हैं हर साल, लेकिन नहीं याद रहती तो मुझे नहीं याद आ रहा था। तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हो कि पीछे जो हमने आग लगाई हुई है वो एक्चुअली क्या है, जो गोवर्धन के जो उपले होते हैं ना जो बनाते हैं उनकी लगाई हुई है। तो इसका क्या रीज़न है, क्या इम्पोर्टेंस होते हैं उसके बारे में आपको मम्मी जी से किया। ये जो आग जली हुई है ना, इसके बाद इसकी राख, हाँ, जो इसके बाद जो राख बनती है ना उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में मम्मी जी बताएंगे आपको। इसका मतलब ये है देव उठने के, आज के दिन देव उठते हैं, आज के दिन शादी ब्याह शुरू हो जाती है। मतलब ये है कि आज हमको देव उठाने की पूजा करते हैं और आँच वगैरह जलाते हैं। आज का क्या महत्व है इसका थोड़ा मैं बताऊँ। गोवर्धन का जो और वो जो उसके उपले बनाते नहीं, जैसे थेपटी उपले रहते हैं, आज के दिन उनकी पूजा करते हैं, जलाते हैं। इसकी राख को अगर कोई चोर उठा के ले जाए घर से, तो अगर उसको कहीं डाका डालना तो वो जरूर डाका डाल के ही निकलेगा, पकड़ा नहीं जाएगा। इस राख का ये महत्व है, इसलिए सब आदमी औरतें जो भी इसकी पूजा करती है उस राख को या तो नाली में बहा देते हैं या अपने गमलों में डाल देते हैं, खुला कोई नहीं छोड़ता। इसका ये बहुत भारी महत्व है क्योंकि तो ऐसी हमें हमारी सास ने दी थी और कहा था कभी भी अपनी राख को बाहर मत छोड़ना, क्योंकि आज के दिन चोर घूमते हैं राख के उठाने। हाँ हाँ, दीदी बोली थी कि गर्ल्स के लिए तो फिर
अभी आप क्या कर लेते जो गर्ल्स के लिए? नहीं नहीं, गर्ल्स के लिए नहीं, बच्चे भी आ सकते हैं। आप खाना खा रहे थे ना, इसलिए नहीं बोला। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ हो रही है शादी, साइड में मैंने अभी आपको दिखाया था ना, सेल दिख रहा है शादी का। ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक शादी हो रही है। हमारी जो छत है उसे सीन दिख रहा था, मैंने सोचा थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। छोटा सा ही टेंट लगा हुआ है, आई थिंक किसी की, मतलब कोई बहुत सिंपल तरीके से कर रहे होंगे जैसे, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अभी मैं दिखाती हूँ थोड़ा जूम करके। ऐसे ही ये जो गणेश जी की तस्वीर रखी हुई है, लोगों का आना जाना लगा हुआ है। ऑब्वियसली शाम हो गई, खाना पीना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो आग लगाई हुई थी ना उपलों में, एक्चुअली क्या है, उपले अच्छी तरह से सुलग गए थे, लेकिन वही है ना, वो तो काफी देर तक सुलगते ही रहते हैं। तो मम्मी जी ने उसमें ना पानी डाल दिया था कि अब ये बुझ जाएंगे, और फिर इसको पानी में मिक्स करके ना, इनका जैसे मम्मी जी ने बताया था, इसको हम नाली में बहा देते हैं, तो इसको नीचे ले जाएंगे। अभी तो नहीं, थोड़ी देर बाद आके ले जाएंगे। और फिर बस इन सब के बाद हम लोग उतर गए थे नीचे। और हाँ, आज के दिन चूरमा ज़रूर बनता है हमारे यहाँ। तो जैसे आपने देखा होगा, जब मम्मी जी पूजा करी थी तो तब रखा हुआ था एक चूरमा का लड्डू, तो वो तो जब सिर्फ पूजा करने के लिए बनाया था, क्योंकि उस टाइम खाने का टाइम नहीं हुआ था। लेकिन अभी यहाँ से जाने के बाद जो और मेम्बर्स हैं उनके लिए भी बनेगा चूरमा। फ्रेंड्स, अभी हम नीचे आ गए हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, आज के दिन चूरमा बनेगा, तो सभी लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा चूरमा बना लेंगे। सिर्फ थोड़ा इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये मीठा होता है, तो आपको तो पता ही है मीठी चीज़ों से इतना मन नहीं भरता है, ऐसा लगता है कुछ नमकीन भी होना चाहिए। हाँ, अगर बात की जाए हमारे जो घर में मेल है, उनका तो मीठे से मन भर जाता है, लेकिन हम लोगों को नमकीन ज़रूर कुछ चाहिए। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा बना देंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हम मोटे मोटे पराठे सेक लेते हैं। वो इसलिए सेकते हैं क्योंकि लास्ट में उन्होंने पिसना ही होता है ना, तो इसलिए हम मोटे मोटे पराठे सेक देते हैं। और दीदी बोल रही थी कि इतने तुम बनाओ, मैं आके उनको कर दूँगी, जैसे हाथ से उनको मसलना होता है, तो बस दीदी वही करेंगी यहाँ पर। और इसमें हमने डाला था घी और बूरा। कुछ लोग बूरा की जगह शक्कर भी डालते हैं, और गुड़ होता है वो भी डालते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हमने इन वालों को बनाने के लिए डाली थी बूरा। ये जो दो छोटे हैं, ये सैंडी और हैनी के लिए, जो थोड़ा सा बड़ा वो मम्मी जी के लिए बनाया था, अभी इतने ही बने थे। और फ्रेंड्स, हाँ, इसकी मैं बात बता दूँ, ये जो रंगोली है ना, ये हमारे पड़ोस में एक आंटी है, उन्होंने बनाई हुई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने इसलिए बनाई थी क्योंकि आज के दिन कुछ जगह तुलसी विवाह भी किया जाता है, जो विष्णु जी होते हैं, विष्णु जी के अवतार हैं कृष्ण जी, उनके साथ। लेकिन हमारे यहाँ इतना सब नहीं करते हैं, तो हमने तो नहीं बनाई थी, लेकिन उन आंटी ने बनाई थी, मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने इसलिए फ़ोटो खींचा था कि अगली बार हम भी देख लें, क्योंकि मैंने पूछा मम्मी जी हम नहीं बनाते हैं ना रंगोली, तो मम्मी जी कह रही थी कि तुम्हारा मन है रंगोली तो वही है, किसी भी फेस्टिवल पे बना लो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा मन होना चाहिए। तो मैंने स्पेशली इसका स्क्रीनशॉट लिया था, मुझे बहुत सुंदर लगी थी बहुत ज़्यादा, और इसलिए मैंने इसको वीडियो में भी डाला है कि अगर आप लोग भी अगर करते हैं तुलसी विवाह, मतलब अगर नहीं भी करते हैं तो यार देखो, मतलब बड़ी अच्छी सी रंगोली है ना, तो मतलब इसीलिए मैंने डाल दिया था, आप सब भी देखो। हाँ, तो फ्रेंड्स ये जा रहे पार्टी में, नहीं बस अकेले जा रहे हैं ना, मुझे लेके जा रहे हैं ना, सैंडी को लेके जा रहे हैं, हमेशा का इनका यही है। और ऊपर से काम दे रहे हैं। एक दिन मेरे पापा से बोला था कि पापा पार्क ले जाओ कि, फिर उन्होंने बोला नहीं ऐसी वो पार्टी में भी हम दोनों को छोड़ के जा रहे, देखा कि अच्छे है। अभी जब कैमरा बंद होता है, जब तो होता है और देखो काम भी करवा रहे, शरीर का क्या फायदा है, कह रहे शर्ट के जो बटन है वो भी तुम लगा दो। मैं और भी तो काम कर लूं, बताओ क्या फायदा मुझे लगाने पड़ रहे हैं। ओहो, फ्रेंड्स अभी रात का टाइम है, रात के अराउंड 10 बज रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा रात का रूटीन आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे सब रात को दूध लेते हैं ना, तो यहाँ पर क्या था, जो मम्मी जी हैं वो दूध में बोल रही थी कि थोड़ी सी पत्ती डाल दे रहे हैं, उनको जुकाम सा लग रहा था। और जैसे मैंने बताया था चूरमा बनाता, तो खाली मीठा खाने से तो मन नहीं भरता है, उसके साथ अलग से सिंपल पराठे सेक लेते कि अचार वगैरह के साथ ले लेंगे।
तो हम लोगों ने तो खा लिया था, मम्मी जी ने चूरमा खाया था, तो उनका जब मन नहीं था तो कह रही थी अब थोड़ा सा पेट खाली सा लग रहा है, भूख लगी है, तो अब दे देना जो मेरा बना हुआ रखा है। तो बस यहाँ पर उनके दूध की बन रही है चाय, और उसके साथ में थोड़ा सा जो पराठा है उसको हल्का सा सेक दूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो ठंडा हो गया था, हमें तो लग रहा था खाएंगी नहीं, बट फिर वही है जैसे बाद में मन कर आया, तो वही सब कर रहे हैं। और अभी जो सीन में पीछे आए थे ना, वो थे हमारे बड़े भैया जी। बहुत फ्रेंड्स, तो बन गई है मम्मी जी की चाय, तो बस मम्मी जी का जो पराठा चाय है वो मैं सर्व कर दूँगी। और हाँ, यहाँ पर हम सिया की बात कर रहे हैं, दीदी नहीं है यहाँ पर, दिख नहीं रही, कैमरे पर साइड में थी। एक्चुअली सिया को पिकनिक पे जाना है कल 9th of November को, तो उसकी बात कर रहे थे। और हाँ, ये जो सीन है मैं ये हैनी के लिए कह रही हूँ कि हैनी जब पास में आता है तो ऐसे करके हाथ से इशारे करके कहता है, इसका मतलब है कि उसे फ़ोन चाहिए, फ़ोन दे दो अपना, तो मैं उसका बता रही थी। और ये है, मैंने लिया हुआ है पपीता, ये जो कच्चा पपीता है उबालकर मेरे हस्बैंड खाते हैं, पहले तो सुबह सुबह में लेते थे, अभी ये रात को खाने लगे हैं सोने से पहले, तो मैं वही कर रही थी। फ्रेंड्स, सिया की पिकनिक, फ्रेंड्स कल सिया पिकनिक पे जा रहे हैं, वो अपना इंतज़ाम कर रहे हैं क्या क्या ले जाएगी, और ये उसने डब्बी निकाली है ढूंढ के, इसके अंदर वो लेके जाएगी हिंगोली। कहते हैं कि उसका उल्टी का ज़्यादा मन होता है सफ़र में, या फिर झूले वूले झूलने में ना। आप भी बता दो, आप बताओ पिकनिक जा रहे हो? यस। नॉर्मल खड़े हो जाओ बोल दो। तो फ्रेंड्स, बस यही व्लॉग का एंड कर देते हैं अब, बस हम रात का ही कुछ कुछ काम ही कर रहे थे, ठीक है। और वो पीछे रखा हुआ है बचाओ पपीता, उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, वो काटा था ना। तो फ्रेंड्स, बस हमारी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।